मैं कृषिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। भूखे मरने की चिंता, बैल की जगह पर महिला खींच रही है हल, बच्चे कर रहे हैं मजदूरी। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आ रहा है, जहां पर 3 बीघा जमीन में एक महिला जो है वो बैल की जगह ले चुकी है। जैसे कि आप लोग को पता है कि सरकार ने काफी सारी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए रखी हुई हैं, गरीब परिवारों के लिए रखी हुई हैं। इस दौरान ही अगर कुछ गरीब परिवारों को कुछ जरूरत होती है तो सरकार जो है वो आगे बढ़ के आती है। पर ऐसे में ही कब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होती है। वायरल होने के साथ साथ जो पूरी लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है, जहां पर आगर मालवा में एक महिला जो है वो 3 बीघा जमीन को एक्चुअली में जोतने के लिए लगी हुई है और उसके पास बैल नहीं है। जब उनसे बात की गई तब उनका कहना ये है कि हमारे पास बैल नहीं है और हमारे पास एक्चुअली में बैल लेने के पैसे तक नहीं है। इसी बीच में हमें अपनी जमीन जो है वो खुद उसकी देखरेख करनी पड़ रही है और हम लोग भूख से ना मर जाएं, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। जहां पर छोटे बच्चों के हाथ में इस वक्त किताबें होनी चाहिए, जहां पर हमारी भारत जो है इतना पीछे हो चुका है पढ़ाई के पीछे, हमारे बच्चे जो है वो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, वहां पर इतनी मुश्किलें जो हैं वो गरीबों के ऊपर आ रही हैं। और ऊपर से तो ये बच्चे जो हैं वो अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ अपने खेतों में काम कर रहे हैं कि उनके खेत में लगी हुई जो फसल है वो खराब ना हो जाए। और तो और इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और बैल लेने के लिए भी पैसे नहीं है। ये चिंता लगी हुई है कि ये फसल अगर खराब हो गई तो ये आगे जो है वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो अभी सरकार के ऊपर उठती हैं ये उंगलियां, सरकार क्यों नहीं इन लोगों की मदद करती है। अभी आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें भी अपने विचार जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।